एक बड़ी चोट ने केकेआर के कैंप में मचा दी है खलबली। आईपीएल 2023 से ठीक पहले ही बदल गया कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान। आखिर कैसे सोशल मीडिया के एक कमेंट से मच गया है बवाल। फ्रेंचाइजी के इस नए फैसले को देख फैंस भी रह गए हैरान। आईपीएल 2023 के शुरू होने से पहले अब गिनती के दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इससे पहले ही कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइजी से एक बड़ी खबर सामने आई है। पिछले सीजन ही केकेआर के कप्तान नियुक्त किए गए श्रेयस अय्यर आईपीएल के ज्यादातर मुकाबले खेलते नजर नहीं आएंगे। दरअसल बॉर्डर गवास्कर सीरीज के चौथे मुकाबले के दौरान श्रेयस ने पीठ में तकलीफ की शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद उनका स्कैन किया गया और फिर मेडिकल टीम से आई रिपोर्ट के बाद उन्हें न केवल चौथे मुकाबले से बाहर किया गया बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से भी वो बाहर हो गए हैं। और इतना ही नहीं, श्रेयस का आईपीएल 2023 में केकेआर के लिए उपलब्ध रहने पर भी बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। उन्हें आईपीएल के ज्यादातर मुकाबले मिस करने पड़ सकते हैं, जिसके चलते केकेआर को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब फ्रेंचाइजी को न केवल एक खिलाड़ी का नुकसान हुआ है बल्कि एक कप्तान के रूप में भी उन्हें अब एक नया नाम तलाशना होगा। वैसे केकेआर की कप्तानी के लिए अनुभवी आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और युवा बल्लेबाज नितेश राणा का नाम फिलहाल आगे चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। आपको बता दें, इस सीजन केकेआर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सभी को सरप्राइज कर सकती है और सबसे अलग हटकर युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह को केकेआर का कप्तान नियुक्त किया जा सकता है और इसका एक हिंट खुद केकेआर ने अपनी तरफ से दिया है। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से रिंकू सिंह का एक वीडियो शेयर किया। इसमें रिंकू बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे थे। वहीं इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में एक फैन ने कमेंट करते हुए रिंकू को गेम चेंजर बताया और इसी दौरान उस फैन को केकेआर ने रिप्लाई देते हुए रिंकू को अपना कप्तान ही बता दिया और केकेआर के इसी एक कमेंट के बाद से ही हर तरफ ये चर्चा होने लगी है कि क्या श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति में रिंकू कुछ मैचों में कोलकाता की कप्तानी करेंगे। क्या फ्रेंचाइजी ने रिंकू सिंह को अपना नया कप्तान बनाने का सोचा है। आपको बता दें कि रिंकू सिंह पिछले 5 सालों से कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा है। हालांकि इतने सालों में उन्हें अब तक सिर्फ 17 मैचों में ही खेलने का अवसर मिला है। इस दौरान रिंकू ने 20.92 की औसत से आईपीएल में 251 रन बनाए हैं, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 130.05 का रहा है। लेकिन बीते सीजन में इस खिलाड़ी ने अपनी शानदार खेल से सभी फैंस का दिल भी जीता था और केकेआर के लिए कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी दी थी। लेकिन अगर केकेआर उन्हें श्रेयस की जगह कप्तान नियुक्त करती है तो ये रिंकू के करियर में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि भी साबित होगी। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान फ्रेंचाइजी की तरफ नहीं दी गई है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि श्रेयस की गैर हाजिरी में केकेआर की कमान किस खिलाड़ी को सौंपी जाती है। वैसे आपके मुताबिक कोलकाता नाइट राइडर्स को श्रेयस अय्यर की जगह किसे कप्तानी का जिम्मा सौंपना चाहिए, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।